महिंद्रा भारत के अंदर ट्रक्स के साथ साथ बसेस भी मैन्युफैक्चर करता है। ये आती है अंडर द क्रूजियो ब्रांड नेम और वो भी इन डिफरेंट साइजेस। जो लंबे वाला मॉडल है उसे क्रूजियो ग्रैंड का नाम दिया गया है और इसी बस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्रूजियो ग्रैंड आपको दो वेरिएंट्स के अंदर मिलती है, स्कूल बस एंड स्टाफ यानी कि टूरिस्ट बस वर्जन। दोनों ही मॉडल सेम शैसी और सेम इंजन के साथ आपको मिलते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे टूरिस्ट या स्टाफ बस वाला वर्जन। ये क्रूजियो ग्रैंडे आपको दो साइजेस के अंदर यानी कि दो लेंथ के अंदर मिलती है। जो छोटे वाला मॉडल है उसकी लंबाई है 15.4 मीटर और जो बड़े वाला मॉडल है उसकी लंबाई है 17.6 मीटर। जो लंबे वाला वर्जन है उसमें आपको 40 पुशबैक सीट्स मिलती हैं और अगर आप नॉर्मल सीट्स लेते हैं तो 40 की जगह 44 सीटें आपको मिलती हैं। इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जैसे कि सेफ्टी, कंफर्ट एंड माइलेज पर काफी ध्यान दिया गया है। अगर बात करें सेफ्टी की तो जो क्रूजियो है वो EIS 031 रोल ओवर टेस्ट को मीट करती है। इसका मतलब क्या है? अगर ये बस पलटती है तो उसका जो बॉडी शेल है वो टूटता नहीं है। इसके साथ साथ ये बस EIS 052 कोड को भी फॉलो करती है। बस के अंदर सीट बेल्ट होने की वजह से सेफ्टी एक कदम और भी ऊपर बढ़ जाती है और सरकारी नियमों का पालन करने के लिए इस बस के अंदर आपको फर्स्ट एड किट और इमरजेंसी डोर भी प्रोवाइड करा गया है। आखिर में इस बस के अंदर आपको ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है। कंफर्ट के मामले में आपको वाइड सीट्स मिलती हैं एक कंफर्टेबल जर्नी के लिए और ये अच्छी बैक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। सीट्स के साथ साथ आपको मोबाइल चार्जिंग आउटलेट की सुविधा भी मिलती है। एक लार्ज ग्लास एरिया होने की वजह से अंदर से पैसेंजर्स के लिए जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है और केबिन को एक एरी फील मिलता है। पैसेंजर्स का जो बड़ा सामान है वो बस के नीचे वाले स्टोरेज स्पेस के अंदर आता है और छोटे मोटे बैग्स सीट्स के ऊपर वाले हिस्से के अंदर आराम से आ सकते हैं। साथ ही में कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए महिंद्रा क्रूजियो ग्रैंड में आपको मिलता है पैराबोलिक सस्पेंशन। बस के फ्रंट डिजाइन में आपको डुअल लाइट्स विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं और नीचे की साइड पे आते हैं फॉग लैम्प्स एज स्टैंडर्ड। केबिन के अंदर भी रात के समय के लिए मल्टीपल लाइट्स दी गई हैं। बस का ओवरऑल डिजाइन काफी मॉडर्न और प्लीजिंग है और साथ ही में इसको मिलते हैं 17.5 इंच के चक्के जो चलते हैं ट्यूबलेस टायर्स पर। ड्राइवर को एक अलग सा सेमी केबिन मिलता है और विंडशील्ड बड़ा होने की वजह से जो आगे की विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी है। साथ ही में इस बस के अंदर आता है एक प्रॉपर ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इस बस को पावर करता है एक 3500 सीसी का टर्बो डीजल इंजन जो देता है ऑलमोस्ट 140 हॉर्स पावर की शक्ति और साथ ही में 525 Nm का टॉर्क। ये इंजन BS6 यानी कि भारत स्टेट 6 इमिशन नॉर्म्स को मीट करता है। इंजन की सारी जान पीछे के चक्कों पर जाती है एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। महिंद्रा का दावा है कि एक बड़ा क्लच होने की वजह से जो ओवरऑल वेयर एंड टेयर है वो काफी कम है और साथ ही में लंबे रस्तों के लिए इस बस के अंदर 120 लीटर का डीजल टैंक स्टैंडर्ड लगा आता है। क्रूजियो ग्रांडे में ड्राइविंग मोड्स भी हैं जो ड्राइवर भाई लोग बस के लोड या रोड कंडीशंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनर्स के लिए महिंद्रा इस बस को IMAX टेलीमेटिक्स के साथ बेचती है। घर बैठे बैठे आप बस की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं और जान सकते हैं इसकी लाइव माइलेज, डीजल और एडव्यू का लेवल, रूट डिटेल्स जैसे फीचर्स। फायदा ये है कि अगर आपके पास फ्लीट के अंदर मल्टीपल क्रूजियो बसेस हैं, तो सबके डिटेल्स मिलेंगे आपके फिंगर टिप्स पर। तो दोस्तों ये थी महिंद्रा की क्रूजियो ग्रैंड बस। पिछले महीने दिल्ली के अंदर ऑटो एक्सपो के जो सारे वीडियोज हैं वो हमारे चैनल पर लाइव हैं। इस वीडियो के बाद उन वीडियोज को देखना ना भूलें।